दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक नए बिजनेस आइडिया पे। ये बिजनेस आइडिया दोस्तों इस प्रकार का है, जब तक इस पृथ्वी पे जीवन रहेगा ये बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। और दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट की, दोस्तों इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे इस बिजनेस को कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आने वाले समय में ये बिजनेस बंद हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ये भी मेरी 100% गारंटी है। ये बिजनेस जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा, इस दुनिया में जीवन रहेगा दोस्तों, ये बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। और दोस्तों बात करें आगे एक सच्ची घटना की, तो दोस्तों मेरे ही पड़ोस के गांव में एक लड़का रहता था, लगभग उम्र 18 साल, नाम दोस्तों उसका सचिन। और दोस्तों कोरोना काल में पिता का देहांत हो गया, पिता का सर से साया उड़ गया था और दोस्तों घर की जिम्मेवारी सारी उसके कंधों पे आके पड़ गई, क्योंकि दोस्तों घर का सबसे बड़ा था। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा था तो वो करे क्या, काम करना दोस्तों उसकी मजबूरी हो गई थी। घर दोस्तों घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि उसके घर का खर्चा पानी चल सके, लेकिन दोस्तों अब खर्चा पानी और घर की जिम्मेवारियां तो उसको निभानी ही थी। दोस्तों उसके ही पड़ोस में कोई राजमिस्त्री रहा करता था जो कि वो अक्सर बाहर ही काम किया करता था। तो दोस्तों वह लड़का उस व्यक्ति के साथ मजदूरी करने उनके साथ गया। उस व्यक्ति ने किसी दूसरे शहर में एक टेंडर ले रखा था, या एक टेंडर मान लीजिए, या एक ठेका मान लीजिए, या कंस्ट्रक्शन का काम मान लीजिए, वह व्यक्ति इसी प्रकार के काम हमेशा करता रहता था। दोस्तों वह लड़का उस व्यक्ति के साथ दूसरे शहर में गया जहां पे उसने ये इस प्रकार का काम ले रखा था, ठेके का काम ले रखा था। ठेके का काम दोस्तों मकान बनाने का ठेके का काम था, सीधी सीधी बात में बता दूं आपको। वो व्यक्ति राजमिस्त्री था और वह बड़े बड़े ठेके लेता था, या छोटे ठेके लेता था, या मिडिल ठेके लेता था, जिस प्रकार के ठेके दोस्तों उसको मिल जाते थे तो वो उसी प्रकार के मकान बनाने के ठेके लेता था। सरकारी भी ले लेता था और प्राइवेट भी लेता था, हर प्रकार के जिसको भी जैसा भी उसको काम मिल जाता था वो उसी काम को ले लेता था। तो दोस्तों सचिन उस व्यक्ति के साथ मजदूरी करने गया। अब दोस्तों सचिन ने उस व्यक्ति के साथ समथिंग 3 महीने मजदूरी की, 3 महीने में दोस्तों वो काम पूरा हो गया। और जिस व्यक्ति के साथ सचिन दोस्तों काम पे गया था, मजदूरी करने गया था, वह व्यक्ति उस काम को कंप्लीट करने के बाद अपने अपने गांव को वापस आएगा, लेकिन दोस्तों सचिन अपने गांव वापस नहीं आया, क्योंकि दोस्तों सचिन को पता था कि सारी जिम्मेवारियां घर की मेरे ही ऊपर है, सारा खर्चा मेरे को ही चलाना है, यदि मैं घर पे चला गया तो फिर मैं क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा। इस कारण दोस्तों सचिन वापस घर नहीं आया और उसने काम की तलाश की। तो वह उसी काम को ढूंढ रहा था जिस काम पे उसने मजदूरी की थी, वो सोच रहा था कि मैं अब एक बड़ा ठेकेदार बनूंगा, या मैं मकान बनवाने का काम दूंगा और आगे भी मैं इसी काम को अपना कंटिन्यू रखूंगा। और दोस्तों वह उसी शहर में काम की तलाश में घूम रहा था, 15-20 दिन उसको दोस्तों घूमते घूमते हो गए, लेकिन दोस्तों सचिन को कहीं भी काम नहीं मिला। जिस भी जगह दोस्तों सचिन काम की तलाश में जाता दोस्तों वहीं पे मकान मालिक उसको काम देने से मना कर देते थे, मना इसीलिए कर देते थे, वो सोचते थे कि लड़की की एज बहुत कम है, इस एज में ये लड़का हमारा मकान नहीं बनवा सकता। दोस्तों उसे किसी जगह से पता चला कि किसी व्यक्ति का मकान रेडी होना है और उस व्यक्ति की बात किसी दूसरे ठेकेदार से चल रही है। सचिन उस व्यक्ति के पास गया और उसने उस व्यक्ति से बातचीत की, उस मालिक को मकान मालिक से पता चला, मकान मालिक ने बताया कि दूसरा व्यक्ति हमारे काम को करने के लिए तैयार है, लगभग हमारी डील फाइनली हो चुकी है, 8 लाख रुपए के हमारा मकान वो दूसरा व्यक्ति बनाएगा। दोस्तों उसी बीच में सचिन ने बोला कि मैं आपके मकान को 7 लाख रुपए में बना के तैयार करूंगा, आप मेरे को 7 लाख रुपए दें। दोस्तों उसी बीच में वह काम सचिन को मिल गया। दोस्तों वह काम सचिन का पहला काम था। दोस्तों काम मिलने के बाद दोस्तों सचिन ने उनसे थोड़ा सा एडवांस ले लिया। एडवांस लेने के बाद दोस्तों सचिन अपने गांव को वापस आया। सचिन ने अपने गांव से दोस्तों 2 राजमिस्त्री तैयार किए और 4-5 लेबर तैयार की। सचिन ने बोला कि मैं आपको जो आपको यहाँ पे पैसा मिलता है उससे मैं 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा दूंगा, आप मेरे साथ चलें और आपको मैं हमेशा आगे के लिए भी काम दिलाता रहूंगा। दोस्तों उस लड़के के साथ उसके गांव के मिस्त्री और लेबर उसके साथ चले गए और दोस्तों जहां पे सचिन ने काम लिया था, सचिन वैसे वो लेके वहां पे पहुंच गया और दोस्तों सचिन ने काम स्टार्ट करा दिया। दोस्तों उस लड़के ने उस मकान के काम को नंबर 1 में कराया। दोस्तों उसे पता था कि यदि मैं कोई काम गलत करूंगा तो मुझे आगे के लिए काम नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसको आगे भी काम करना था, इसीलिए दोस्तों उसने नंबर 1 क्वालिटी का काम कराया। और दोस्तों वह अपने लेबर को भी बहुत खुश रखता था, बीच बीच में उनकी चाय पानी भी कराता था और दोस्तों उनके रहने खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से उसने कराई थी, इसीलिए दोस्तों उसकी लेबर और कारीगर उससे बहुत खुश थे। क्योंकि वो दूसरी तरफ दोस्तों उसे मकान मालिक भी बहुत खुश था, क्योंकि दोस्तों उसने नंबर 1 में काम कराया था, उसने दोस्तों कोई भी शिकायत वाला काम नहीं कराया था। दोस्तों वह मकान उसने 3 महीने में बना के कम्प्लीट किया। वह मकान बनने से पहले पहले दोस्तों उसको 2 जगह और टेंडर मिल गया था, 2 जगह का काम और मिल गया था, क्योंकि दोस्तों उसने काम ही इस प्रकार का कराया था जो कि दूसरा व्यक्ति भी देखने के बाद सोचे कि मेरे को भी अपना काम इसी लड़के से कराना है। दोस्तों मकान का काम कंप्लीट हो गया और दोस्तों उसने जो भी खर्चे हुए थे सारे खर्चे अपने एक डायरी में नोट कर रखे थे। मकान का काम कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मकान मालिक की तरफ से पेमेंट हो गया। पेमेंट तो दोस्तों उसने बीच बीच में भी लिया था, क्योंकि उसको लेबर को भी देना था और अपना खुद का भी खर्चा था, लेकिन दोस्तों जैसे मकान कंप्लीट हुआ तो सारा पेमेंट कंप्लीट पेमेंट हो गया था। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसे पता चला कि 6,30,000 रुपए का खर्च उस मकान बनवाने में आ गया है। अब दोस्तों 7 लाख रुपए का उसका ठेका था, 7 लाख रुपए में वह काम उसने लिया था। दोस्तों उसको 70,000 रुपए बचे, 70,000 रुपए दोस्तों उसको 3 महीने में बचे।
तो दोस्तों 70,000 रुपए बचा के दोस्तों वह लड़का बहुत खुश था, क्योंकि दोस्तों उसने 3 महीने में 70,000 रुपए बचाए। और दोस्तों 70,000 रुपए भी उसने तब बचाया जबकि उसने 1,00,000 रुपए काम सस्ते में लिया था, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसी काम को 8,00,000 रुपए में करा रहा था। दोस्तों सतीश आज भी इसी काम को करता है। पिछले दिनों मेरी सतीश से मुलाकात हुई, समथिंग 2 साल के बाद दोस्तों मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने उससे बात की और सचिन ने बताया कि मैंने 2 साल में 30,00,000 रुपए कमा लिया है और दोस्तों आज उसके कई कई जगह काम चलते हैं, कई कई जगह ठेके चलते हैं और बड़े बड़े ठेके लेता है दोस्तों सचिन। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपको ये काम करना है तो आप कैसे काम को इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये इस प्रकार का बिजनेस है, जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा, जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, कोई भी आपको इसमें एडवांस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको किसी के पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। यदि कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी इस काम को करता है तो दोस्तों आप उनके पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई पार्टनरशिप नहीं मिलती है तो दोस्तों आप अकेले भी काम कर सकते हैं। आप अकेले कैसे काम कर सकते हैं? दोस्तों आप जहां भी इस प्रकार के कहीं काम चल रहा होता है तो दोस्तों आपको वहाँ पे करना क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको मजदूरी तो करनी नहीं है, सिर्फ दोस्तों आपको काम सीखना है। तो दोस्तों आप वहाँ पे मजदूरी कर सकते हैं 2-4 महीने, दोस्तों आप वहाँ पे मजदूरी करने के बहाने वहाँ पे दोस्तों काम सीख सकते हैं। जब दोस्तों आपको हल्की फुल्की जानकारी हो जाएगी तो दोस्तों आप फिर मार्केट के अंदर काम ले सकते हैं। सचिन दोस्तों आज की भी डेट में जो भी काम लेता है वो दूसरे व्यक्ति से सस्ता काम लेता है और अच्छा काम कराता है। सस्ता काम दोस्तों वह है इसीलिए लेता है क्योंकि वह कंटिन्यू काम करना चाहता है, वो बीच में ब्रेक नहीं करना चाहता है। तो जैसे दोस्तों सचिन ने ये काम स्टार्ट किया है दोस्तों उसका काम बंद नहीं हुआ है, उसका कंटिन्यू काम चलता है और दोस्तों उसके एडवांस में काम पड़े रहते हैं, क्योंकि इसीलिए पड़े रहते हैं क्योंकि दोस्तों वह दूसरे व्यक्ति से काम सस्ता कराता है। तो दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से करना है, जैसे मैंने बता ही दिया है कि आप पार्टनरशिप में किसी के काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप आपको नहीं मिल रही है तो दोस्तों आप किसी के साथ रह के काम कर सकते हैं मजदूरी पे, और दोस्तों आपको मजदूरी के बहाने ही आपको काम सीखना है। उसको उस व्यक्ति को बताना नहीं है कि मेरे को काम सीखना है, सिर्फ आपको बताना है कि मुझे मजदूरी करनी है, मजदूरी के बहाने दोस्तों आप काम सीख सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि हमको ठेका लेना है तो हमको मटेरियल के साथ ठेका लेना है या विदाउट मटेरियल ठेका लेना है। दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा, शुरू स्टार्टिंग में आपको विदाउट मटेरियल ठेका लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है जो कि आप विद मटेरियल ठेका ले सके। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल होगा कि हमको विदाउट मटेरियल ठेका लेना है, आज की डेट में इस प्रकार के काम स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं तो हमको कैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से अपना पूरा मकान का हिसाब जोड़ना चाहिए। तो विदाउट मटेरियल ठेका लेते हैं तो दोस्तों विदाउट मटेरियल लेबर का और कारीगर का जो चल रहा है दोस्तों वो सब की डेट में समथिंग 140 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको पूरा काम कंप्लीट करना होता है, आपका मटेरियल नहीं होता है, मटेरियल मालिक का होता है। और ये 140 रुपए लोकेशन के हिसाब से दोस्तों ऊपर नीचे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब यदि बात करें दोस्तों यदि आप विद मटेरियल ठेका लेते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं आपको एक स्क्वायर फीट में आज की डेट में समथिंग 1200 रुपए स्क्वायर फीट खर्च आता है मटेरियल का है। और दोस्तों ये 1200 रुपए लोकेशन के हिसाब से भी ऊपर नीचे हो सकता है। यदि दोस्तों आपको विद मटेरियल ठेका लेना है तो दोस्तों जैसे मैंने बताया 1200 रुपए स्क्वायर फीट मटेरियल का खर्च आता है और 140 रुपए लेबर और कारीगर का खर्च आता है, तो दोस्तों ये 1340 रुपए स्क्वायर फीट होता है। दोस्तों आप 1340 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप टेंडर ले सकते हैं, आप ठेका ले सकते हैं और आप मकान बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की यही जानकारी थी, सारी जानकारी मैंने आपको बताई, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों जो भी मैंने बिजनेस आइडिया आपको बताया है ये बिजनेस आइडिया एकदम से 100% जेन्युइन है, कभी भी दोस्तों ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है और बिना पैसे के आप दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आप पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। दोस्तों आपकी जब एक बार चैन बन गई तो दोस्तों फिर आपकी चैन कभी बंद नहीं होने वाली है, फिर दोस्तों आपका काम कभी बंद नहीं होने वाला है। ये चलिए दोस्तों जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि किसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो तक विदा करता हूँ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।